Good evening everyone, welcome back to my sociology class. Now we are talking about the general criticism of the functionalist जो theory है, जो persons ने जो बोले थे उनके हिसाब से थोड़ा बहुत criticism तो होगा ही. अगर हम कुछ बात कहते हैं तो उसका criticize तो होता ही है, तो कोई भी बोले उसका भी criticize है. So that is the downplaying conflict, that is Madak and persons paint a very good picture of the family. वो लोग जो किए थे वो था एक family का जो picture है वो picture को उन लोगों ने बहुत ही very good picture उन लोगों ने बोले थे, very good picture. So this is the main thing, that is फॉर ये जो गुड पिक्चर है, गुड पिक्चर के बोलने के वजह से ही ये क्रिटिसिज्म आता है. दैट इज द हारमोनियस इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कुछ उन लोगों ने बोले थे. तो वायलेंस, बट यहाँ पर जो है पर्टिकुलर डार्कर साइड, क्रिटिसिज्म मीन्स पर्टिकुलर जो डार्कर साइड है वो डार्कर साइड भी है. दैट इज द चाइल्ड अब्यूज, violence against a woman like this, ये तो होता ही है, आप लोगों को पता है. Being out of date, persons view that is the instrumental and the expressive roles of the man and woman is very old fashioned. So ये जो एक family में man and woman का जो role है ये बहुत पुराना हो चुका है. It may be held some truth in 1950s, but today that is the majority of women in work and the blueing of garden roles. That is, ये man and woman का जो picture है वो पुराना तो हो ही चुका है, क्योंकि present में अभी जो है वो वुमन जो है बहुत सामने आके बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेते हैं. तो इट सीम्स दैट द बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू बी द बोथ एक्सप्रेसिव एंड द इंस्ट्रूमेंटल रोल्स. सो दोनों ही माता पिता, जैसे मेरे फैमिली में दोनों ही, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों ही काम करते थे, वो ये जो चीज है ये मैं समझ सकती हूँ. मेरे मम्मी पापा दोनों ही काम करते थे, तो दैट इज ये जो है रियली के हस्बैंड काम पे जाए वाइफ होम वर्क कर रहे, ये जो थियरी है ये बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो गया. इग्नोरिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमन, द फंक्शनलिस्ट ट्रेंड में जो होता है 90% फैमिली में वुमन को क्या किस लिए रखा जाता है कि चाइल्ड केयर, प्राइमरी चाइल्ड केयर टेकर हिसाब से वुमेन को रखा जाता है. एंड द सुपर बर्डन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क, उनके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क का बहुत बड़ा बर्डन रहता है. दैट इज द जेंडर रोल्स आर द सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड यूजुअली इन्वॉल्व टू द ऑपरेशन ऑफ वुमन. ये जो जेंडर है कि मेल ये कर सकता है, फीमेल वो कर सकता है, ये सब चीज, ये सब कुछ जो है ये डार्क साइड है ऑफ द फंक्शनलिस्ट थियरी का. दिस रोल्स लीड टू बी डिसएडवांटेज टू द एक्सपीरियंस बाय द वुमन, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है. नाउडेज अभी बहुत वुमन सामने आके काम करते हैं, लेकिन एक टाइम था, अभी भी लगभग 80-90% फैमिली में, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचे तो 80-90% फैमिली में ही वुमन को होममेकर, एज अ होममेकर रखा गया है. फंक्शनलिज्म इज टू डिटर्मिनिस्टिक, सो दैट दिस इज मीन इट्स इग्नोर द फैक्ट द चिल्ड्रन एक्टिविटी create their own personalities and individuals' personalities is not predetermined at birth or something that have no control in it. Functionalism incorrectly assumes an all robotic adaptation of the society's values of our parents. Clearly there are the many examples where this is not the case.
So that's all for now. Thank you so much. Please keep watching and please subscribe my channel. And till then, goodbye.